ये बांध है ना, ये बांध हिफाजती है, तहसील जामपुर को शहर को पानी नहीं आने देता। सही, हिफाजती बांध है ये बांध, इसके साथ ही टच होता है ये दूसरा बांध है। ये दूसरा बांध है, ठीक है। ये बांध ऐसे कतई में जाता है, ये बांध इसके साथ ही टच हो जाता है, फिर दोबारा इधर से पानी आया इस हिस्से में। और ये जो बांध है ना इस साइड पे, ये दरियाए सिंध का इलाका है, उस तरफ दरिया है, ये इस तरफ दरिया है। अगर इस हिस्से को काटते तो ये पानी दरियाए सिंध में जाता, आपसे दरियाए का पानी दरिया में जाता। उन लोगों ने ऐसे काम किया, ये इसी पानी इनको इधर काटने की बजाय इसी हिस्से को काट दिया। जामपुर शहर, जामपुर शहर में ये सामने बांध है साथ, इसी हिस्से में काटा, फिर ये इलाके जो है ना कोटला जामपुर ये सब मुकम्मल दरिया में डूब गए। और जो शेरू वाला बांध टूटा है, ये शेरू शहर है, शेरू के ऊपर ये टूटा है, फिर इसी हिस्से में आ गया है। अच्छा, आपको उधर से पानी आ रहा था? जी जी जी, इधर से का, इधर से टूटा तहसील जामपुर मालूम, ये हिफाजती बांध बांधा हुआ था, और जो जब पानी आया ना इधर डैम बन गया। अच्छा। इन लोगों ने इन इधर काटा नहीं, पानी इधर जमा हो गया, फिर ये पानी इधर ऊपर आ गया। पटवारी वाला बांध तोड़ के, जब ये हिस्सा काटा नहीं, पानी का रास्ता नहीं बनाया, ये पानी पानी का रास्ता इधर बनाना था, इधर दरिया में इधर पानी का रास्ता नहीं बनाया, जब ये डैम फुल हो गया फिर ये हिफाजती बांध टूट गया शहर में। शहर में ये ऊपर वाला शहर का हिस्सा ऐसे डूबा, आपका जामपुर का। हाँ, ये जामपुर शहर है, इधर से जामपुर शहर है, ठीक है। अब ये जामपुर शहर है, अब जामपुर। अच्छा, एक वो डैम बना शेरू वाला बांध की वजह से, और वहाँ से तोड़ के शहर में ऊपर की तरफ से आया। जी जी, ऊपर। अच्छा, दूसरा फिर ये वाला पानी जो दरमियान में दो बंदों के दरमियान आ रहा है, ये कहाँ से आया? ये भी ये पटवारी वाले पास। जब ये पानी टूट गया ना, फिर उस बांध को उन लोगों ने काटा, बाद में पहले नहीं काटा, बाद में काटा है, खुद काटा है, दरमियान में भेज दिया। यहाँ पे आबादी है, इन दो बंदों इसके और इसके दरमियान में भी बड़ी आबादी है। ये कौन से इलाके? ये तस्वीर, ये इलाका है बस्ती गड्डन, और इसके बाद आ जाता है नमा बेगराज बाबुल वाली। ये तीन चार मौजे, चार पांच मौजे यहाँ पे, बिल्कुल। ये दो बंद हैं, उनके दरमियान में चार पांच मौजे डूब रहे हैं। आपका जो जामपुर है उसको अभी ये बांध बचा रहे हैं, नजदीक है, ठीक है, उसको ये वाला बांध बचा रहे हैं। अच्छा, फिर कभी उन्होंने ये बांध तोड़ा? बांध नहीं, नहीं, बाद में कोई नहीं तोड़ा, वो अभी पड़ा हुआ, ये बांध अभी तक बंधा हुआ है। आवाम ने काटा थोड़ा सा, पुलिस आई मौका पे, और जो राजनपुर डीपीओ साहब आए, उनने आवाम पे पथराव वगैरह भी थोड़ा हुआ, नहीं काटने दिया, नहीं काटने दिया, फिर लाठी चार्ज हुआ, पुलिस आ गई, बहुत इंतजाम था, फिर इस बंद को ऐसे काटा, सिखानी वाला, मेरे वाला, रेख बाग वाली, कोटला मुगलान, कोटला। अच्छा, ये जो जिन लोगों का, कौन कौन लोग हैं जो आप समझते हैं कि जिम्मेदार हैं इसके, ये गलत बंद काटने के? जो आपका जिम्मेदार हम ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन इसकी वजह से ये जो इंतजाम है ना तहसील जामपुर की, यही जिम्मेवार है। इन्नो अगर ये इंतजाम सख्त होता ना, ये हिफाजती बांध जामपुर वाला, ये पानी इधर से नहीं टूटता। तो आपके बंद जो थे वो मजबूत थे क्या? ये बड़े बंद मजबूत थे, बिल्कुल। अभी आप चेक कर लो, कदर के बने हुए, मरम्मत ने बनाई थी, कोई मरम्मत नहीं हुई, बिल्कुल। और बात यह है कि ये जो हमारे बांध थे ये इतनी मजबूत थे कि हमारे शहर जामपुर में अगर 15 लाख भी पानी आता तो दरिया सिंध बन जाता। अच्छा, इधर पानी नहीं आता, इधर पानी नहीं आता। ये तो जो तीनों हमारे बांध थे, इन्हों ये जो है शहर को खुद ही डुबाया गया है। हमारी इंतजामिया की कमी थी, एसी साहब थे या डीसी साहब थे, इन्होंने देखना चाहिए। ये जब भी आते हैं, पढ़े लिखे तो है लेकिन इनको समझ नहीं है कहाँ काटना है, क्रॉसिंग कैसे करनी है, पानी को बाजार दरिया में कैसे डालना है। जनाब, ये 85 में जो फ्लड आया था इनके पास वो भी नक्शा मौजूद था, फिर भी नहीं देखा, उस नक्शे को नहीं देखा, उस नक्शे के मुताबिक अगर ये काटते तो शहर में पानी कभी नहीं आता।